मुझे समझ नहीं आता कि जब तुम मर्द सोचते हो कि अपनी बीवियों को छोड़ना है, तो ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो पूछे कि क्यों, तो तुम आगे जवाब क्या दोगे? कभी ये सोचा कि उस बेचारी पे क्या गुजरेगी? मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ। मैंने इतने साल गुजारे उसके साथ, सुबह शाम दिन रात, वी हैव अ चाइल्ड टुगेदर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके लिए फीलिंग्स नहीं डेवलप कर पाया, या शायद पहले फीलिंग्स थी भी वो अब फेड आउट हो चुकी है। मैं उसे झूठ नहीं बोल सकता। लैला, आई फील नथिंग फॉर हर, क्या करूं? अमेजिंग, तुम मर्द अपने फेल्ड मैरिजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले सकते। घर, गाड़ी, वेकेशन, पैसा, है सब कुछ घर की एनवायरमेंट को बेहतर करता है, एक शादी की फाउंडेशन नहीं होता। एक शादी आप इसलिए करते हो ताकि आपको एक लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ आप खुशियां, सुख दुख, प्यार, सब कुछ बांट सको। Are you done? For now. लैला, मैंने तुम्हें हायर किया एज अ प्रोफेशनल लॉयर। मैं चाहता हूँ तुम हमारी दोस्ती को उसमें से बाहर रखो। मैं चाहता हूँ तुम ये केस जल्द अज जल्द खत्म करो ताकि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूँ। मॉम, मैं सोच रही हूँ कि समीर जब दे देगा डिवोर्स मरियम को, तो मरियम कहाँ जाएगी? आई मीन, मुझे पता है हम एग्री नहीं करते सोसाइटी की इन बातों से, लेकिन एक हकीकत है कि सोसाइटी में एक डिवोर्स औरत का रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, यही तो खराबी है हमारी सोसाइटी की। डिवोर्स का सारा ब्लेम औरत पे ही जाता है। मर्द अगर डिवोर्स दे तो औरत में कोई बुराई होगी, औरत अगर खुला ले ले तो यकीनन वो घर नहीं बसाना चाहती। यही तो मसला है, इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। प्रॉब्लम तो समी को होगा, सब कुछ तो मरियम का है। समी को अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए जिसका अपना बिजनेस हो। मामा, समी ऐसा नहीं है। समी ऐसा ही है बेटा, बल्कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले वो अपना इंटरेस्ट, अपनी आसाइश, अपना कंफर्ट देखते हैं। Maybe you're right.